गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये व्लॉग हम वहाँ पे जाने वाले हैं जहाँ पे मैंने काफ़ी दिन से सोच रखा था। और आपको इसी ट्रिप के बारे में मैंने बता रखा था कि हम बहुत ही लंबी ट्रिप पे जा रहे हैं, और ये ट्रिप है माता शाकंभरी के, वहाँ पर जाने वाले हैं। 4:30 होने वाले हैं, तो मुझे आधा घंटा ही है मेरे पास, तो मैं फटाफट रेडी हो जाता हूँ। हाँ तो गाइस, हम बिल्कुल नहा धो के रेडी हो गए हैं, और अभी टाइम जो हो गया है वो बिल्कुल 5 बज चुके हैं जिसका टाइम था हमें, तो थोड़ा सा हम लेट हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ से निकलते हैं अभी काफ़ी बिना देरी के। तो जो हमारा पैकअप है वो सारा सामान रेडी हो गया है, और मैंने बैग में पैक कर लिया है, ये देख सकते हैं जो हमारा बैग है उसका सामान कर लिया है, और अभी हम बिना देरी करके यहाँ से निकलते हैं। तो आगे मेरे भैया हैं, हमें गांव तो ड्रॉप करके आएंगे, उसके बाद में हम दूसरी बाइक से जाएंगे। दोस्तों निकलते हैं हम फाइनली, मैंने मम्मी पापा को बोल दिया है कि मैं निकल रहा हूँ, तो देख सकते हैं आप कितना अंधेरा हो रहा है, तो इसी अंधेरे में हमको जाना है। तो दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, और इस ट्रिप को कामयाब बना देना। हाँ तो दोस्तों फाइनली हम श्री माधोपुर तक पहुँच चुके हैं, जो कि हमारे गांव से लगभग 20 किलोमीटर के समथिंग है। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं जिसका रेलवे स्टेशन, और ये पीछे आप सिटी देख सकते हैं, लेकिन हम हाईवे से डायरेक्ट जाएंगे, ये हाईवे है। तो अभी हम खंडेला के लिए निकलेंगे, और उसके बाद में जो आगे की ट्रिप है वो आप देखते रहिए। शाकंभरी माता का जो ये ब्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, और इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों। हाँ तो गाइज, हम श्री माधोपुर से चल के अभी फ़िलहाल खंडेला पहुँचे नहीं हैं, उससे खंडेला यहाँ से 10 किलोमीटर के समथिंग है, और हम यहाँ पे देखो चाय पीने के लिए रुक गए। तो थोड़ी देर हम यहाँ चाय पियेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद में यहाँ से निकलने वाले हैं। और अभी देख सकते हैं आपकी मॉर्निंग भी हो चुकी है, सूरज निकल चुका हुआ है, तो अभी हम यहाँ से चाय वाय पी के फिर निकलेंगे, और आगे जो शाकंभरी माता है वहाँ पर जाने के लिए। तो दोस्तों बने रहिए ब्लॉग के साथ, बहुत ही मजा आने वाला है। अब हम शाकंभरी माता से ज़्यादा दूर नहीं है, ये देख सकते हैं आप, उदयपुर वाटी तक तो हम आ चुके हैं, और ये उदयपुर वाटी की जो सिटी है वो आगे है। तो अभी हम चल रहे हैं, और शाकंभरी माता से बस कुछ ही पल की दूरी पे है। तो दोस्तों चलते हैं, और व्लॉग का आनंद उठाते रहिए, और चलते रहिए।
सो फाइनली हम शाकंभरी माता का जो मेन गेट है वहाँ तक पहुँच चुके हैं, और इसके बाद में अब आगे जो एंटर करेंगे वो शाकंभरी माता के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं कोट बांध पे, इसके बाद में हम शाकंभरी माता के जाएंगे। तो अभी यहाँ पे कोट बांध का जो आपको सीन है वो मैं दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये जो बांध का जो मतलब एरिया है वो नीचे का एरिया है, उसके बाद में हम ऊपर जाने वाले हैं। तो वहाँ से देखो आप पीछे देख सकते हो वो जाने का रास्ता है ऊपर। तो दोस्तों फाइनली कोट बांध पे आ चुके हैं, और ये आप पीछे देख सकते हैं कि कितना गहरा पानी भरा हुआ है, और इसका जो एंड है वो भी फिलहाल दिख नहीं रहा कि कहाँ तक पानी भरा हुआ है। और इसका जो रास्ता है ये देखो यहाँ पे उधर रास्ता देख सकते हैं जो कि बंद कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की पहले मौत हो गई थी इसलिए इस रास्ते को बंद कर दिया गया। तो एक बार आपको इस पानी की जो नज़ारा है वो एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं देख सकते हैं आप थोड़ा ऊपर आ गया, यहाँ से देख सकते हैं आप बिल्कुल क्लियरली पानी देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर शानदार पानी भरा हुआ है। और वहाँ पे उस साइड में कुछ लोग नहाए थे, उनकी मौत हो गई थी, मतलब 6 लोग आए थे घूमने, तो 3 नहाने के लिए उतरे थे और उनको तैरना आता नहीं था, तो पानी की गहराई ज़्यादा होने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद में इसका रास्ता बंद कर दिया गया, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। वैसे भी चेतावनी लिखी हुई है नीचे कि यहाँ पे ऊपर आना भी सख्त मना है, आगे जाना मना है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत मज़ा आया, और इसके बाद में हम शाकंभरी माता के लिए निकलने वाले हैं। दोस्तों फाइनली हम शाकंभरी माता के मंदिर के पास पहुंच गए हैं, और अभी अंदर एंटर करने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं मंदिर के अंदर। हाँ तो फाइनली दोस्तों हम शाकंभरी माता के मंदिर में पहुंच चुके हैं, और इसके बाद में अंदर जाएंगे और वहां का जो नज़ारा है वो आपको दिखाएंगे कि यहां पे कितनी शांति है और कितनी क्या आराधनाएं हैं लोगों की, जो भी हैं वो दिखाएंगे। तो चलते हैं अंदर। हाँ तो दोस्तों आप आ चुके हैं शाकंभरी माता के मंदिर में।
और इसकी विशालता और सुंदरता आप देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे शाकंभरी माता के साथ साथ मंदिर में जो काली माता है उनकी भी मूर्ति बनाई गई है। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी सच्चे मन से श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामनाएं अपने आप पूरी हो जाती है। ये सब बातें हमने यहाँ के जो आए हुए श्रद्धालु हैं उनसे बात करके ही पता की हैं, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे, उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हम जब से भी यहाँ पे माता के दरबार में आते हैं तो हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं वो अपने आप माता पूरी कर देती है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप भी एक बार माता के मंदिर में आकर देखें तो आपकी भी मनोकामनाएं माता ज़रूर पूरी करेगी। तो इस मंदिर की एक खासियत बात है कि यहाँ पे जो दोनों टाइम का जो खाना है वो मंदिर की तरफ से फ्री मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, और नया व्लॉग बहुत ही जल्द आने वाला है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए।